हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है फैंटेसी बॉयज़ में। अभी मैं रानीगंज स्टेशन में हूँ और मेरा ट्रेन का टाइमिंग है 10:38 में, तो वो आसनसोल से खुलेगी और बर्दवान जाएगी। ये इंडिया का सबसे शॉर्ट डिस्टेंस वाला ट्रेन है जो 2 घंटा का ही सफ़र करेगी। तो इस सफ़र में आज हम आपको दिखाने वाले हैं इस ट्रेवल का नज़ारा। और ये लोकल ट्रेन है, आसनसोल टू बर्दवान पैसेंजर। अभी स्टेशन खाली है, मेरा ट्रेन आने का भी 20 मिनट टाइम है। और यहाँ देख सकते हैं अभी स्टेशन बहुत खाली है। साढ़े 10 बज चुका है और लेकिन अभी भी स्टेशन खाली है, ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ। और यहाँ पर रेलवे कर्मचारी लोग अपना काम कर रहा है। दस बजकर 38 मिनट हो चुका है और हमारा ट्रेन भी आ चुका है। तो आपको मैं अपना ट्रेन दिखाता हूँ, आसनसोल टू बर्दवान। और ये स्टेशन में, और ये जैसा कि मैंने कहा था कि ट्रेन आने के टाइम ही ये भीड़ हो जाता है। अभी ट्रेन खाली है, सीट भी है तो बैठ जाएंगे। हमारा ट्रेन निकल चुका है रानीगंज से। अभी ट्रेन रेड सिग्नल पर रुका हुआ है, आगे शायद कोई ट्रेन पास होता होगा। और ये मालगाड़ी है जो जा रहा है उधर आसनसोल की तरफ। दोस्तों 03516 ये ट्रेन का नंबर है, आसनसोल टू बर्दवान स्पेशल है। और ये इस टाइम ज़्यादा भीड़ नहीं होता है क्योंकि इससे पहले 3-4 गाड़ी और भी है लोकल का आसनसोल टू बर्दवान, तो सुबह का ट्रेन में ज़्यादा भीड़ होता है, इसीलिए ये टाइम भीड़ नहीं है ज़्यादा। तो खाली ही मिला हमको यहाँ पर, इस ट्रेन में सीट भी मिल गया और हम रिटर्न भी आएंगे। 1:15 के ट्रेन है बर्दवान से आसनसोल, उस ट्रेन से मैं रिटर्न आऊँगा रानीगंज दोबारा। इससे पहले सुबह में है 6 बजे एक ट्रेन है, और 6 बजे के बाद है 7:10 में है एक ट्रेन, फिर उसके बाद 9 बजे है, और उसके बाद ये 10:38 में ट्रेन है जिसमें हम अभी चढ़े हैं। और इस मालगाड़ी में गिट्टी जा रहा है। अभी हम अंडाल आए हैं और अंडाल के बाद वारिया है। ये रानीगंज के बाद ही ये स्टॉपेज है अंडाल का, उसके बाद हम वारिया जाएंगे, फिर वारिया के बाद दुर्गापुर।
रुक जाओ भाई साहब, अभी हम दुर्गापुर स्टेशन उतरे हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। ये देख रहे हो भाई साहब, बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम बर्दवान स्टेशन आ गए हैं और यहाँ सामने बहुत ज़्यादा भीड़ है ट्रेन में चढ़ने के लिए। ये रहा बर्दवान स्टेशन का नज़ारा। बर्दवान स्टेशन में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। ये वेस्ट बंगाल का तीसरा सबसे बड़ा स्टेशन है, इसी कारण बहुत ज़्यादा भीड़ होता है इसमें। अभी हम इसी ट्रेन से वापस रानीगंज जाएंगे और ये ट्रेन अभी 1:15 में खुलेगी, उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे दोबारा रानीगंज। यहाँ इस बर्दवान स्टेशन में खाने के लिए बहुत सारे चीज़ मिल जाएंगे। खीरा है जिसको बंगला में सोसा कहा जाता है। अभी 12:54 हो रहा, 12:54 और 1:15 में ये ट्रेन खुल जाएगी और सामने देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है इस स्टेशन में। हमारा ट्रेन 7 प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी, पर 7 प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी एक ट्रेन था, इसीलिए ये 4 प्लेटफॉर्म पर आया है। और सामने देख सकते हैं वो 7 प्लेटफॉर्म है जहां पर ट्रेन ऑलरेडी खड़ा था, इसके कारण हमारा ट्रेन 4 प्लेटफॉर्म पर। भाई साहब, हमको लगा इस ट्रेन में भीड़ नहीं होगा, लेकिन ट्रेन में भीड़ बहुत हो गया, हमको सीट ही नहीं मिला भाई साहब। तो अब यहाँ से बर्दवान से रानीगंज हम खड़े होकर ही जाएंगे। बना रहे ना, बोले वो सब कर फेस नहीं। देखो भाई लोग, ये लोग ट्रेन इसी तरह क्रॉस करता है। भैया जी, हमारा ट्रेन निकल चुका है बर्दवान स्टेशन से। तीन मिनट लेट 1:18 में ये ट्रेन निकल चुका है। ये देखो भैया जी, बर्दवान स्टेशन के जो रेलवे ट्रैक है नीचे, उसके ऊपर ही ये पुल बना हुआ है लोगों का आने जाने के लिए। बर्दवान स्टेशन का बहुत ही खूबसूरत पुल है ये। और ये सामने देखिए, जर्जर ट्रेन पड़ा हुआ है यहाँ पर। हमारा ट्रेन लाइन क्रॉसिंग करते हुए दूसरे पटरी पर शिफ्ट होते हुए, चलिए हम लोग इस पटरी पर शिफ्ट कर गए हैं ट्रेन के माध्यम से। भैया लोग, पुलिस वाले अंकल जी अपना लंच ले जाते हुए,
और यहाँ पर रेल कर्मचारी लोग यहाँ पर काम करते हुए देख सकते हैं, पटरी को ठीक कर रहा है। यहाँ पर पटरी जो पुराना हो जाता है उसको हटा के नया पटरी लगाने का काम। खेतों के बीचों से भैंस का पार होना देखो कितना सुंदर है ये नज़ारा। दोपहर का समय है फिर भी कोहरा कोहरा जैसा लग रहा है, उधर ज़्यादा दूर तक नज़र नहीं आ रहा। इसके इंजन को देखिए कितना आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये नया इंजन था, बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है। ये है शताब्दी। तो भैया जी हम लोग तलीत पहुंचे हैं अभी, भैया जी ये स्टेशन में तो भीड़ ही नहीं है पार्टी। भैया जी अभी हम खाना जंक्शन पहुंचे हैं और यहाँ से अभी 90 किलोमीटर और दूर है सफ़र, तो 90 किलोमीटर सफ़र अभी और करना है हमको। और ये बार बार गेट इधर आ जा रहा भाई, तो इसे पकड़ कर रखना है। दुर्गापुर आ चुके हैं, अब दो स्टेशन के बाद ही रानीगंज स्टॉपेज है मेरा। ये दिया है लिफ्ट। तो हम दुर्गापुर से हम निकल चुके हैं। दो बजकर 32 मिनट में दुर्गापुर पहुंचे हैं। तो भाई लोग हम रानीगंज आ चुके हैं और अब यहां से घर जाएंगे। ये ट्रेन जा रहा है, यही इसी ट्रेन से हम आए थे। तो अब मिलते हैं हम अगले ब्लॉक में, तो आज के लिए बाय। ओ भाई साहब यहाँ पर तो बंदर जी बैठे हैं।